शॉर्टेस्ट ब्लॉक इंडिया की छतरपुर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे वाईपी सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं प्रोटिस ब्लॉक इंडिया किस तरह से चुनाव जीतने के बाद काम करेगी, विकास का और जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है उसको कैसे दूर करेगी। हेलो, आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक डेटा है, वो असंतुलित है, असंतुलित है। इसको संतुलित करना है, वेतन और आय की न्यूनतम सीमा अगर 14,000 तय की गई है तो अधिकतम सीमा 10,40,000 तय होनी चाहिए। और बाकी जो पैसा बचा है, जो लूट बची हुई है देश में, 5 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ जो महिला तनख्वाह ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं और न्यूनतम वेतन 14,000 दे रहे हैं, ये सारा का सारा बचत हो जाएगी और उस बचत में देश के सारे बेरोजगारों को 103 करोड़ जनता को सबको जो है अगर संतुलित कर दिया जाए 14,000 न्यूनतम और 1,40,000 अधिकतम में, तो सबकी गरीबी दूर हो जाएगी और अमीरी भी चलती रहेगी। जेवलों में ऊपर का बढ़ता जाएगा, नीचे वालों को भी आय बढ़ाती जाएगी, इसलिए देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, महंगाई नहीं होगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा। और इसी को लेकर के प्रोटिस ब्लॉक ऑफ इंडिया लड़ाई लड़ रही है कि देश की व्यवस्था को संतुलित करो। ये व्यवस्था अभी जो है वो असंतुलित है और कोई जो है 5,000 रुपये महीने में नहीं मिलता है और कोई 21 करोड़ रुपये महीने में ले जाता है। यह जो है देश की पैसे की लूट है, धन की लूट है, इसलिए असमानता है, गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है। इसलिए हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन जो है, न्यूनतम आय किसी व्यक्ति का कोई ही पैसा करता हो 14,000 से कम नहीं होना चाहिए और अमीरी रेखा 1,40,000 से ज्यादा किसी की आय वेतन नहीं होने चाहिए। इस तरह से संतुलित हो जाने से देश का नया निर्माण हो जाएगा और सबको शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके मनोहर शास्त्र दे करके सबकी मानसिकता को ठीक करना होगा, क्योंकि आज का बच्चा जो है जो शिक्षा पद्धत है गलत है, उसको सुधारना होगा। इसलिए पीबीआई जो है आपके सामने आई है और यही है गणनीति। गणनीति से जो है हम इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से संतुलित करेंगे और किसी आदमी को भी दुखी नहीं रहने देंगे। धन्यवाद।